हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अफ़गानी पनीर की रेसिपी। दोस्तों, अफ़गान से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिया में ही बनी है, लेकिन आज हम इसको बनाएंगे अपने घर पर। और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आता है दोस्तों, रेगुलर पनीर से बिल्कुल अलग बनता है ये और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ये मैंने 300 ग्राम पनीर ले लिया है, इसको इस तरीके से बड़े बड़े पीस में काट लिया है। इसमें डाल देते हैं हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, और 1 से 2 चम्मच डालेंगे इसमें तेल। ये चम्मच थोड़ी बड़ी है इसलिए मैं 1 ही चम्मच डाल रही हूँ, अगर छोटी है तो आप 2 चम्मच डाल दीजिए। और इन सभी चीज़ों को इस पनीर पर अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ऐसा करके हम पनीर को मैरिनेट करेंगे 10 मिनट के लिए। हमने 3-4 प्याज को इस तरीके से काट लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं, काजू है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च। और गैस पर एक पैन रख दिया, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म होता है तो ये बाकी की सभी चीज़ें इसमें डाल देंगे, प्याज, लहसुन, अदरक अदरक काजू, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया की पत्ती भी डालेंगे इसमें, वो थोड़ी देर में डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि नमक डालने से प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। प्याज को हमें कलर चेंज नहीं करना प्याज का, बस इसको सॉफ्ट करना है, बस हल्का सा भुन जाए और सॉफ्ट हो जाएंगी तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए, हमने नमक डालकर ढक्कन लगा दिया 2 मिनट के लिए, तो प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हल्का सा और पका लेते हैं, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इस टाइम पे मैंने धनिया ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं धनिया मेरे पास थोड़ा कम था दोस्तों, ज़्यादा है तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो धनिया से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। प्याज अच्छे से पक गई, उसको रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। और गैस पर रख दिया एक ग्रिल में पैन, तो इस पे हमने जो अपना पनीर रखा था वो रख देंगे सारा। हल्का सा मैंने इस पे तेल लगाया, आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो ना भी लगाएंगे तो भी ये अच्छे से ग्रिल हो जाएंगे, क्योंकि हमने पनीर में पहले ही तेल डाला हुआ है। और ये नॉनस्टिक पैन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब प्याज वगैरह भी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई हैं, इसको डाल लेते हैं मिक्सी के जार में। और 3 से 4 चम्मच डालें दही, दही ज़्यादा खट्टी ना हो दोस्तों। और 1 मुट्ठी धनिया भी डालिया इसमें। सभी चीज़ों का अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। और इधर आप देख सकते हैं वे पनीर भी हमारा अच्छे से ग्रिल हो गया है, एक साइड से दूसरी साइड से हो रहा है। तब तक हम साइड में रख के अब ग्रेवी तैयार करते हैं। तो गैस पर वापस से पैन रख दिया है और उसमें थोड़ा सा तेल और बटर डाल देते हैं। खाली बटर डालेंगे तो जल्दी से जलने लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा तेल डालेंगे साथ में। अब जैसे बटर मेल्ट हो गया और तेल भी गर्म हो गया, तो इसमें डाल दिया 1 चम्मच जीरा और थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 2 तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग। ये लिए हैं मसाले, आप अपनी मन पसंद से ऐड कर सकते हैं दोस्तों। मैंने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। और अब इसमें डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से पका लिया है साथ। अब हमने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था उसको भी डाल लेते हैं और 2-3 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मसाले बहुत जल्दी पक कर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमने प्याज को पहले भी पकाया हुआ है। तो बस 2 मिनट ही लगेंगे इसको पकाने में। ये आप देख सकते हैं प्याज पैन को, ये सारा जो पेस्ट है पैन को छोड़ने लग गया है। और अब इसमें डाल देते हैं हम 2 से 3 चम्मच मलाई, जो घर की ताज़ा मलाई है। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। आपने देखा है मैं ज़्यादातर सब्जियों में मलाई ऐड करती हूँ, क्योंकि मलाई हमारे घर में हमेशा रहती है। और इसमें डाल दिए 3 हरी मिर्च और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। तो मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें दोस्तों। अब थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा नमक और ऐड किया। नमक ध्यान से ऐड करें दोस्तों, क्योंकि हमने जब प्याज को पकाया था तो उसमें भी नमक डाल दिया था, और पनीर को जब मैरिनेट किया था उसमें भी डाला था नमक। तो नमक ध्यान से डालें। अब 1/2 गिलास डाला है इसमें पानी, और पानी डालकर अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। इस टाइम पे मैंने तेज़पत्ता निकाल दिया है। और ये देखिए ग्रेवी हमारी पक गई है। अब साथ साथ हम इसमें डाल देते हैं पनीर और बस 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। इस सब्जी को बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी भी बनती है और बहुत ही कम सामान में बनती है। आपने देखा होगा मैंने ना कोई बहुत ज़्यादा मसाले ऐड किए हैं, ना ही टमाटर डाले हैं, क्योंकि आजकल टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं। तो बिना टमाटर के जब इतनी टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार होती है, तो आप इसको ज़रूर से बना के खाइए। और मैंने इसको लच्छा पराठा के साथ सर्व किया है, ये देखिए।
ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और लाजवाब बनी है, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।